देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला जा रहा था, जो 9 तारीख को मैच खेला जा रहा था, उसमें जो है वो बारिश पड़ गई थी। जैसा कि आपको मालूम है, बारिश होने के बाद जो है वो भारत के आसार जो है वो बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि T20 मैच कराने की जो मैच रेफरी हैं वो सोच रहे थे, मैच रेफरी सोच रहे थे कि अगर इतना मौका मिलता है कि कम से कम 3 घंटे का मौका मिलता है तो T20 मैच कर देंगे। इस T20 मैच में जो न्यूजीलैंड है वो नहीं खेलती, क्योंकि न्यूजीलैंड अपनी पारी खेल चुकी थी। तो भारत को जो ये चेज जो था वो 140 रन का मिलता, 140 रन भारत को 20 ओवर में पूरे करने होते, तो इससे जो भारत की उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि भारत जो है वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर लेगा। लेकिन घबराने की ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बारिश होने के कारण जो है ये मैच को अगले दिन शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, अब ये मैच जो है मतलब आज 10 जुलाई को खेला जाएगा और उसी समय पे उसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है पूरे इंग्लैंड में, तो अगर अभी भी बारिश पड़ती है और मैच नहीं होता है या मैच जो है रद्द हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर कैसे फैसला होगा कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में प्रवेश करेगी। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो भी टीम ने अभी तक अंक तालिका में सबसे टॉप पे है, या इन दोनों टीमों से जो टीम जो है वो सबसे अच्छा प्रदर्शन उसने लीग मैच में किया है, वो टीम पहुंचेगी फाइनल में। एक एक पॉइंट जैसे लीग पॉइंट में दिए जाते थे, वैसे एक एक पॉइंट जो है वो दे दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड एक पॉइंट के बाद पहुंचेगा 12 पे, भारत जो है वो टॉप पे था, एक पॉइंट के बाद वो और आगे पहुंच जाएगा। तो अगर ये मैच रद्द होता है तो यकीनन भारत जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। तो भारत की उम्मीदें जो हैं वो कल भी अच्छी थी इस मैच में, वो भारत की उम्मीदें जो हैं वो आज भी अच्छी हैं इस मैच में। लेकिन ऐसे मैचेस में अगर मैच होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर फैसला जो है वो लड़के होता है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर आज 3 बजे हम देखेंगे कि किस तरह का मौसम है और आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। तो और न्यूज़ के साथ बने रहिए द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।